कम ब्यूटीफुल पीपल, क्या क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलती दिसदा भाई, अबू इज वेरी इज भाई। भाई मैं सोया हुआ, मैं उठा, मैं दवाइयां नप के ना मैं सो जाता, फिर उठा तो मेरे दोस्त की भी कॉल आई, मैसेज आया, मैं कहा भाई बैठ चुप, या तो रोटी खिला रहा है या कुछ मसला है। तो मैंने फोन मतलब किया नहीं, उसका मैसेज आया हुआ था कि तला अंजुम के दो गाने आ गए। लगा पहली सीढ़ी भाई, तला अंजुम के यंगस्टर्स के जितने बड़े टट्टे मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखे, नहीं देखे भाई, मेरे से तीन गुना ज्यादा। अबू जी अबू अबू। तो भाई अच्छा, तुम लोगों को एक चीज बता दो, मेरी और फादी का एक Q&A पॉडकास्ट टाइप सेशन स्लैश कुछ भी आप बोल सकते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। दूसरे चैनल पे जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, हर वीडियो पे 200 300 500 सब्सक्राइबर दिए, राम 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 राम, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू। तो भाई अबू जी का गाना आ गया और दो गाने आए, और अभी हम कौन सा गाना सुनने वाले हैं, डेथ विश। उमर अंजुम का कह रहा हूँ, रैप डेमन का भी गाना आया ना, मुझे पता चला। भाई आज हम जल्दी सो गए थे, 9 बजे सोए हैं, अभी 2-3 बजे हो गए। तो भाई इस 3-2-1 पिले, पिले। तो भाई अबे यार ये आधे ज्यादा अगर कोई इंडिया देख रहा है इसको समझ नहीं आएगी। तो भाई बाबा जी रथू गिर गया बाबा, यस कमांड ये इट्स योर बॉय खुशा, ब्रिंगिंग हीट बड़ी देर से, मुश्किल कुशा, साथ मेरे कोई भिड़े ना इस शेर से, जुड़ा हुआ शहर की आवाज से, मैं नहीं जुड़ा किसी भी जमात से, शहर से इंसाफ के। जमात इस्लामी जिंदाबाद, लबैक लबैक। जुड़ा हुआ शहर की आवाज से, मैं नहीं जुड़ा किसी भी जमात से, शहर से इंसाफ कैसे मांगू, मेरे शहर को इंसाफ नहीं मिला, मेरे सामने हकदार ही नहीं ये इख्तियार के, ये शहर बड़ा हुआ बिना बाप के, सब नोच खाए कौन इसका साथ। ये शहर बड़ा हुआ बिना बाप के, मेरे ख्याल से इसलिए आज से कह रहा है कि मेरा शहर जो है लावारिस है, क्योंकि कराची चलता है तो लाहौर पलता है, ये इसलिए बात से मुझे याद आया कि अगला डायलॉग यही होता है, तो मेरे ख्याल से इस नजरिए से वो बोल रहा है। मुझे यार एक चीज़ जरूर बता देना, मेरे को किसी ने बताया तला अंजुम का अबू जो है वो SHO है और दादा DSP है, और मुझे जो मेन चीज़ है वो ये जानने की है कि तला अंजुम के वाले साहब जो है वो जिंदा है कि नहीं है। शहीद लिखा हुआ था, मैंने कहीं भी हाँ मेरा हाथ बहुत दर्द हो, तो शहीद कहीं पर लिखा हुआ था, तो वो चले गए हैं इस दुनिया से, या मतलब मुझे ज़रा बता देना ब्रो, ये मेरे को जानने के, मेरे को प्रॉपर किसी ने मतलब कुछ कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है तो हाँ। क्या नशा मिले आसानी से, मुश्किल मिले पार्किंग, कराची वाइज, कराची वाइज का पाकिस्तान की वाइज है ये, तो नशा मिले आसानी से, मुश्किल मिले पार्किंग, एक सेकंड पीछे से आना, बड़ा हुआ बिना बाप के, सब नोच खाए कौन इसका साथ, क्या नशा मिले आसानी से, मुश्किल मिले पार्किंग, इट्स फनी बट इट्स ट्रू, कभी छांव कभी धूप, धत्तरी मांगी चू बंटाई को लगी रे वो बंटाई बंटाई, इट्स फनी बट इट्स ट्रू, कभी छांव कभी धूप, कभी खून जम जाए कभी बहे तो रुके ही ना, सोचा तो करो, बड़े फायर ओवर सेल फोन्स, जिंदगी की कीमत ये, रोजी रोटी के लिए जो निकले वो जान ले के यहाँ जिंदगी गनीमत है, सिस्टम ये फक, आई से फक द सिस्टम, चौकीदार चोर हुक्मरान चोर, व्यापारी मिनिस्टर्स ब्यूरोक्रेसी फेसलेस, इनके प्लान सारे बेसलेस, पॉलिसी सारी नाकिस। यार ये तो एक है पाकिस्तान, ये अल्लाह हबीबी आई लव ग्रेप्स, ये तो ये जितने भी पाकिस्तानी है ना इस चीज को बड़ा मतलब ये नजरिया कश्मीर कह रहा हूँ, कराची का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो उसका कराची है, बट एस खोता जो है ना वो ये है कि पूरा पाकिस्तान जितना भी यूथ है ना वो इस चीज़ को बड़ा बड़ा महसूस कर सकता है। इस गाने का नाम डेथ विश था, मुझे लगा थोड़ा बैंगर टाइप होगा क्योंकि जिस तरह ओल्ड स्कूल टाइप फोटो और ये टेलीफोन मतलब, लेकिन ये बाहसियत पाकिस्तान पाकिस्तानी आपको बड़ा वाइब देगा ये, मतलब आप हाँ बोलते हैं, I can see it on their faces, lot of lines crossed, yeah yeah, lot of lives lost, yeah yeah, मौला मदद कर, this shit is ticking like a time bomb, is there peace या फिर एक जंग और, क्या जीने का है एक ढंग और, मेरे झंडे में है हरा और सफेद, तुम्हें दिखता है क्यों उसमें एक रंग और, भरे ऐवान में है एक गम, मेरे झंडे में हरा थी चीटा और उसमें खून
भाई निकाल मोबाइल निकाल बड़वे ब्रो, ये सीन है ब्रो। अबे देखो मैं क्या हिसाब किताब हुआ था, यहाँ पे मोबाइल के चक्कर में भी उसने बोला ना, तो हमारे घर में तीन हम बंदे हैं, एक मेरे वाले साहब है, एक मेरी वालदा और एक टट्टा हूँ मैं। तो वालदा के साथ भी चोरी हो गई, उनके सोने के वो थे क्या कहते हैं हाथ में पहनना, कड़ा कड़ा नहीं कड़ा तो लड़ क्या होते हैं यार हाथ में वो जो भी होते हैं, चेन हो गया, अब्बे के साथ भी हो गया। फिर मेरे को गुस्सा चढ़ा, मैंने कहा बहन चो सबसे बड़ा चोर मैं बनेगा, व्यूज चोर बन गया। तो खैर अगर मैं सच बोलूँ ये गाना बहुत ज़्यादा इसमें कोई बार गुस्सा नहीं है, बट तुम्हें पता है ये बहुत रिलेटेबल सीन है, ये काफ़ी दिल पे लगेगा लोगों के। झंडे में है हरा और सफेद, तो खून की बात हो रही है, हमारे खून, मैं समझा कि एकदम ये ना कह दे कि इंडिया का झंडा कर दे। मैं दिखता है क्यों उसमें एक रंग और, भरे ऐवान में है एक गमखार, यहाँ बने खानदान ठेकेदार, यहाँ चोर के मुहाफिज सूबेदार, यहाँ लगे नहीं क्या लाशों के अंबार पहले, यहाँ गिरी नहीं क्या घरों की दीवार पहले, यहाँ मरे नहीं क्या लोग बेमौत, क्यों लोग बेखौफ अपने रब के अजाब से, जरूरत लेके आए कैसे मोड़ पे, मुस्तहिक की कमर कैसे तोड़ दे, बोल माँ के पेट से क्या वो चोर थे, अब हाथ में है असला और घर में है फाका, वो मौका वारदात भी नहीं छोड़ते। ये यार कितनी हकीकत वाली बात है, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ जब भी मिलता हूँ कि यार लोग ना हमेशा कहते हैं कि लोग बीमारी देख लेते हैं, बीमारी की जड़ तक नहीं पहुँचते। मेरे ख्याल से अंजुमन इस तरह की लाइन ना कहीं और भी यूज़ की हुई है, कुछ थी लाइन यार तुम लोगों को समझ आ रही होगी, इससे रिलेटेबल लाइन थी कि यार इंसान बीमार है, लोग इस चीज़ पर देखते हैं कि चोर है, बट वो चोर क्यों बना ब्रो, कोई अपनी ज़िंदगी के साथ खेलना नहीं चाहता, ठीक है ना। तो हमें इस चीज़ को जड़ को पकड़ना चाहिए यार, इस तरह की लाइन थी तलांजुम की, जड़ हम नहीं पकड़ सकते यार, तलांजुम ने ये बोली थी लाइन इस तरह की। खान फायरिंग का मालूम अफराद ने फायरिंग करके शहरी शरीफ कीलिया में हाथ से ले जा महा मैंने बड़ी कोशिश की कि इस गाने के अंदर जितना बकचोद रह सकता हूँ रूम, बट ये जो लास्ट जो वहां जहां पे गाना खत्म हो रहा है, और एक ये काफ़ी इमोशनल गाना अगर देखा जाए यार, काफ़ी ज़्यादा ना बहुत ही रिलेटेबल होगा, और ये मतलब पाकिस्तान के हर शहरी को बहुत महसूस होगा इस गाने, इसका मतलब आप स्पीचलेस हो जाएंगे और आप रो पड़ेंगे, समझ रहे हैं आप इस बात को, मतलब आप अपने मुल्क के, ये देखो ठीक है बैगर्स मिल जाते हैं बार्स मिल जाते हैं, बट मेरे लिए मैं हमेशा कहता हूँ भाई मेरे अपने एक गरीब हूँ के नज़रिया यह है कि आपने उन चीज़ों को हाईलाइट करना है जिससे लोगों को ज़िंदा करा जाए, उन चीज़ों को पे जोर दिया जाए कि शायद बेहिसी अंदर से ख़त्म, मतलब जागे अंदर से बंदा ना। और जब इस तरह का आर्टिस्ट जो जिसको खुदा एक मंजिल दे देता है, एक मुकाम दे देता है, तो वो जब इस तरह की बात करता है ना, तो उस आर्टिस्ट को देखकर बहुत से लोग, अगर एक मिसाल है फॉर एग्जांपल, लोग कहते हैं ना कि चर्च को तलाक यूनस चर्च भी था या फलाना चर्च भी था या स्मोकिंग करता था, हम उससे देखें इंस्पायर्ड होते हैं या ये होते हैं, कई रैपर्स ये क्लेम करते हैं, अगेन कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं, तो वहाँ पर वो ये चीज़ें भी अपने पे ना एक अपने पर तारीफ करें कि यार मेरे को ये जो बोल रहा है, जो मेरा आइडियल है या मेरा मैं जिसको देखकर जी रहा हूँ, समझ लो ये ईपी है मैं चौथ। अच्छा तो वो चीज अंदर ना आप मतलब प्रैक्टिकली उस पर अमल करने की कोशिश की जाए कि यार मेरे साथ किसी ने बुरा किया तो मैं किसी के साथ ना बुरा करूं। तो हाँ ये मैं बहुत स्पेसिफिकली मतलब ये सीन है मेरा कि ये ज्यादातर लोग वो लोग महसूस कर पाएंगे जो पाकिस्तान के है ना। हाँ
सो मिलता हूँ आपको यहाँ किसी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए राम राम, जय हो। अबे मेरा यूट्यूब बंद हो जाना, आधे लोगों ने कह रहा तू देश क्या, देशद्रोही है। बाबा जी खूबसूरत गाना है, इसको सुने और इस चीज़ को महसूस करें कि ये जो चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ, इसको हम बेहतर करें और हम कर सकते हैं ब्रो। मैं अपने आप को बदलने की कोशिश करें, बकचोदी अपनी जगह, समझ लो। यस कमांडो।